एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल आई एम हिमानी और आज मैं हूँ उदयपुर में। उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। ये सिटी फेमस है अपने लेक्स, पैलेसेस और सनसेट्स के लिए। मैं आ गई हूँ सिटी पैलेस में। हम अंदर जाके इस पैलेस को एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो चलो लेट्स स्टार्ट। वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन उदयपुर दैट यू मस्ट विजिट इज सिटी पैलेस। यहाँ पर एंटर करने के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा, जिसका प्राइस है 300 रुपीज़ पर पर्सन। इसके अलावा आप 30 रुपीज़ की टिकट भी ले सकते हो, जिससे आप सिटी पैलेस को सिर्फ बाहर से देख सकते हैं। सिटी पैलेस उदयपुर का सबसे टूरिस्टिक प्लेस है और यहाँ से आपको लेक पिचोलर होटल ताज देखने को मिलेगा। सिटी पैलेस का आर्किटेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। इस पूरे पैलेस को देखने के लिए आपको 1 से 2 घंटे का टाइम लगने वाला है। सिटी पैलेस को 400 साल पहले 1559 में महाराणा उदय सिंह जी ने बनवाया था और ये पैलेस इंडिया का सेकंड बिगेस्ट पैलेस है। एंट्री गेट पर ही आपको गणेश जी की मूर्ति दिखाई देगी, जो कि 400 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी बना हुआ है, जिसमें राजपूत संस्कृति की बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। ये महाराणा प्रताप कक्ष है। यहाँ पर महाराणा प्रताप के असली हथियार संभाल कर रखे गए हैं। ये सब चीज़ें वो 400 साल पहले इस्तेमाल करते थे। कहा जाता है कि इन सब हथियारों का कुल वज़न 35 किलो से भी ज़्यादा है। ये है प्रेमगिरी गोस्वामी जी का मंदिर। इनके ही आशीर्वाद से महल हमेशा से सुरक्षित रहा है। ये सामने पिचोला लेक दिखाई दे रही है और उसके बीच में जग मंदिर पैलेस भी बना हुआ है। यहाँ जो आप चेयर देख रहे हो, इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जब किंग जॉर्ज इंडिया आए थे, तो उन्होंने सारे राजाओं के साथ एक मीटिंग की थी, पर महाराणा फतेह सिंह वहाँ नहीं गए थे और उनकी चेयर खाली थी। तब से ये चेयर यहीं रखी हुई है और आज तक इसमें कोई नहीं बैठा है। ये इस पैलेस का 4th फ्लोर है और यहाँ पर काफ़ी बड़े पेड़ भी लगे हुए हैं। दरअसल ये पहल एक पहाड़ी पर बना हुआ है और इसलिए यहाँ पर 4th फ्लोर तक पेड़ लगे हुए हैं। इस पैलेस के रास्ते बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं और इन्हें महल की सुरक्षा के लिए ही ऐसा बनाया गया था। ये तस्वीर हल्दी घाटी की है, जहाँ पर महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ था। ये है शीश महल। ये राजा और रानी का कमरा हुआ करता था और यहाँ दीवार पर बहुत सारी पेंटिंग्स भी बनी हुई हैं। ये है सिटी पैलेस की बैक साइड और यहाँ से आप लेक पिचोला को बहुत अच्छे से देख सकते हो। ये है होटल ताज पैलेस का रेस्टोरेंट और ये भी सिटी पैलेस के अंदर ही बना हुआ है।
पैलेस में रोज़ रात को 8 से 9 बजे तक लाइट एंड साउंड शो होता है, जिसमें पूरे मेवाड़ की हिस्ट्री बताई जाती है। इस शो का टिकट प्राइस है 200 और 300 रुपीज़ पर पर्सन। सो अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो तो आप इस शो को ज़रूर देख सकते हैं। पैलेस के बाहर ही आपको स्ट्रीट शॉपिंग के भी काफ़ी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। आई होप यू डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ हिट द लाइक बटन। ऑल्सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।